चलिए साथियों, तो आज हम अपना प्रयोग शुरू करते हैं। साथियों, आज का प्रयोग में हमको लगेगा आधा गिलास पानी, एक नींबू और सर्फ और कुछ हल्दी। साथियों, जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि आज का प्रयोग में हम लोग आम क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। साथियों, तो हम पहले ये दिखा देते हैं कि भले इसमें हम करने वाले क्या है। तो साथियों, जब हम इस हल्दी को पानी में मिलाएंगे तो ये एक प्रकार का पीला रंग होगा, जो कि एक सूचक का काम करेगा। जब इसी सूचक में जब हम अपना इस सर्फ को मिलाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी भी सूचक में अम्ल या क्षार को मिलाने से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो चलिए साथियों, हम इसी प्रयोग को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आधा गिलास पानी है। पानी में सबसे पहले हम इसमें हल्दी मिलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पहले भी पता होगा कि अगर हल्दी इसमें मिलाएंगे तो इसका कलर पीला हो जाएगा। अब साथियों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा सर्फ की मात्रा मिलाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं साथियों, इसका कलर लाल होते जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखे साथियों कि इसका कलर लाल हो गया, इसका कारण क्या है। तो साथियों, इसका कारण यह था कि हम जब पानी में हल्दी मिलाए थे तो वह एक सूचक बन गया। तो सूचक किसे कहते हैं, तो सूचक एक प्रकार का वैसा जो कि आम क्षार और लवण का गुण को बताए। और जब इसी में हम इसको सर्फ को मिलाए, सर्फ मतलब सर्फ एक क्षारीय पदार्थ है, तो क्षार को जब हम सूचक में मिलाए तो इसका कलर चेंज कर दिया है। अब साथियों, इसी में एक चीज़ और मिलाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नींबू एक अम्लीय पदार्थ है। चलिए इसको मिलाकर देखते हैं इसको क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो साथियों, जहाँ तक नींबू का असर गया है वहाँ तक ये पीला फिर से होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है साथियों, तो ये नींबू एक अम्लीय पदार्थ था, शुरुआत में हम क्षारीय पदार्थ को दिए हैं। तो साथियों, इससे यह पता चलता है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो वह लवण और जल बनाता है। यानी इससे हमको क्या पता चला साथियों, जब हम किसी सूचक में किसी क्षारीय पदार्थ को देते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। जब उसी में फिर हम किसी अम्ल को मिलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अम्ल का काम नींबू कर रहा था, जैसे कि आप लोग का पता होगा इसका पीएच मान भी हाई होता है, जब इसको हम मिलाए तो यह फिर अपना ओरिजिनल कलर मिला दिया। तो चलिए साथियों, आप लोग को आशा करते हैं कि ये आम क्षार और लवण की कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।